डियर स्टूडेंट्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसे कहा जाता है स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्किन, ऐसे एनिमल जिनकी स्किन स्पाइनी स्किन, जिनकी एयर स्किन पर मौजूद होते हैं स्पाइन्स। अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स कितनी स्पीशीज है, 6000 स्पीशीज आर देयर। और सबसे पहले हम हमेशा हर फाइलम में एवोल्यूशनरी कैरेक्टर लिखते रहे हैं, इसलिए यहां पर भी हम पहले एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम बात एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की करते हैं, तो दे आर ग्रुप्ड इनटू यूमेटाज़ोआ, यूमेटाज़ोआ। यूमेटाज़ोआ होने के साथ साथ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, इनमें एप्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। देन दे आर दी एडल्ट्स आर रेडियली सेमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल्स। याद रखिएगा, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है एंड लार्वे बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल्स। इन केस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोपोर देखा जाए, तो दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरो, जिनमें ब्लास्टोपोर के टिश्यू पहले एनस बनाते हैं, एंड नेक्स्ट वन दे आर सिलोमेट्स, इनके अंदर ट्यूसिलोम यानी बॉडी कैविटी मौजूद होती है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन से कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा इन केस ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो याद रखिएगा दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेंगे, सी वाटर में। दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिवली मैरीन, क्या होते हैं ये, मैरीन नेचर है। इन्हें पेंटामेरस कहा जाता है, पेंटामेरस, जिसे कहते हैं फाइव रेडिएटिंग आर्म्स, फाइव रेडिएटिंग आर्म्स, इनके पास फाइव रेडिएटिंग आर्म्स होती। मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स इनके देखें जैसा कि लाइक दिस, इनके पास फाइव रेडिएटिंग आर्म्स मौजूद होती हैं। कितनी आर्म्स होती हैं, फाइव रेडिएटिंग आर्म्स। तो इनके पास फाइव रेडिएटिंग आर्म्स हैं, इसलिए इनको पेंटामेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटामेरस। इस तरह स्टारफिश की जो है वो स्ट्रक्चर होती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स फाइव रेडिएटिंग आर्म के साथ हैं, इसलिए इन्हें पेंटामेरस कहा जाता है। तो पेंटामेरस है।
इनके पास स्पेशलाइज कैरेक्टर में याद रखिएगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर है इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। फिर इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं ट्यूब फीट्स, ट्यूब फीट्स मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट्स, जो कि कनेक्टेड होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के साथ, एंड एम्प्यूला, एम्प्यूला होते हैं एज वेल एज, याद रखिएगा ट्यूब फीट्स मौजूद होते हैं इनके पास अलोंग विद द सकर्स, सकर्स आल्सो प्रेजेंट, इनमें क्या होते हैं सकर्स भी मौजूद होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पर, एज वेल एज स्पाइंस, क्या होते हैं स्पाइंस, यानी इनकी स्किन के ऊपर कांटे होते हैं। देन अगर देखा जाए तो इनके पास ट्रू एंडोस्केलेटॉन भी होती हैं, इनके पास एंडोस्केलेटॉन्स भी हैं एज वेल एज इनके जो लार्वे है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो इनके लार्वे होते हैं दे आर बाय पनेरिया लार्वे, इनके लार्वे को हम बाय पनेरिया लार्वे का नाम देते हैं। अब इनके पास बाय पनेरिया लार्वे हैं, लेकिन इनमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं रीजेनरेशन, रीजेनरेशन का प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल मेथड में आता है, मींस दे कैन रिकॉन्स्ट्रक्ट, रिकॉन्स्ट्रक्शन होती है इनमें, ये अपने किसी भी लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर सकते हैं, जो कि स्टारफिश में कॉमन है। अब इसकी हम अगर एग्जांपल्स देखें तो याद रखिएगा स्टारफिश, इसके बाद सी अर्चिन, उसके बाद ब्रिस्टल स्टार और बहुत सारे इकानोडर्मीड्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन नेचर में होते हैं। अब यहां पर हमने बात की कि इनके पास सर्कुलेशन के लिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं स्ट्रक्चर स्टारफिश को देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ द स्टारफिश दे आर पेंटामेरस विथ फाइव रेडिएटिंग आर्म्स, याद रखिएगा इनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसे हम नाम देते हैं द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्या नाम देते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं, दिस इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर किसका है ओनली इकाइनोडर्मीड्स का। इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस यानी के कांटे मौजूद होते हैं, इसलिए इनको स्पाइनी स्किन कहा जाता है, क्या मौजूद होते हैं बेटा इनके ऊपर, इनकी जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, कांटे मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें स्पाइनी स्किन में लेकर आते हैं हम लोग, तो इनके ऊपर स्पाइंस भी हैं। फिर याद रखिएगा इनके ऊपर खास किस्म की स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम नाम देते हैं सक्कर्स, इनके पास यहां पर सक्कर्स भी मौजूद होते हैं जो इन्हें ग्रिप देते हैं, एज वेल एज जो है वो होस्ट को
या शिकार को पकड़ने भी काम आते हैं। तो सकर्स मौजूद है, फिर इनके पास ट्यूब फीट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनके पास क्या मौजूद होंगे, ट्यूब फीट्स, दीज आर द ट्यूब फीट्स। अब ओनली हम इसके एक ही मैरस पर ड्रा करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि जो ट्यूब फीट्स होते हैं दे आर थाउजेंड्स इन नंबर्स, और ये ऑल अराउंड द बॉडी, ऑल अराउंड द मैरस मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्यूब फीट्स। याद रखिएगा, ट्यूब फीट्स कनेक्टेड होते हैं विथ द वाटर वास्कुलर सिस्टम बाय स्पेशलाइज्ड ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। अब क्या होता है कि जब वाटर सर्कुलेट करता हुआ एम्प्यूला में जाता है, एम्प्यूला से ट्यूब फीट में जाएगा, तो ये ट्यूब फीट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ट्यूब फीट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से सबस्टेरियम्स पर शक्कर की ग्रिप लूज हो जाएगी एंड दे विल क्रीप। आपने देखा होगा स्टारफिश इस तरह क्रीप करती है, जब इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है पानी को पुश करता है एम्प्यूला के जरिए ट्यूब फीट में, और ट्यूब फीट वापस पानी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एम्प्यूला के जरिए इनटू द वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है शक्कर्स की ग्रिप लूज हो जाती है एंड दे क्रीप ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्टेरियम आर रॉक्स। अब यहां पर याद रखिएगा, एम्प्यूला, ट्यूब फीट्स एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम जब कोऑर्डिनेटली काम करता है तो इनमें प्रोसेस होता है लोकोमोशन का। इसे मैंने बताया ट्यूब फीट और एम्प्यूला का रोल है। इनके पास सक्कर एंड स्पाइंस मौजूद है, जिसकी वजह से जो इनका स्पेशलाइज करेक्टर है स्पाइनी स्किन। इनमें मैंने बताया रीजनरेशन भी होती है मोस्टली, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मीन्स अपने पार्ट को ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर अगर सेंटर से चोप आउट हो जाए, इस कट ऑफ हो जाए, तो दो नई स्टारफिश बन सकती हैं, स्टारफिश के पास ये कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन का प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्वे का बनना कैरेक्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक चीज याद रखिएगा कि इनमें मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स मौजूद होते हैं फॉर देयर फंक्शन पर्पज के लिए, क्योंकि ये 8th ग्रेड है हमारे फाइलास का। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर थे फाइलम इकोनोड्रमेटा के। अब हम देखते हैं एफिनिटीज। बेटा एफिनिटीज कहते हैं, एफिनिटीज कहा जाता है रिजेंबलेंस। तो जब हम एफिनिटीज की बात करते हैं तो याद रखिएगा इकोनोड्रमीट्स हमारे पास जो कॉर्डेड्स हैं, या वी कैन से दैट इकाइनोड्रमीट्स रिजेंबल विथ हेमी कॉर्डेड्स एंड कॉर्डेड्स। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल बेसिस पर, जिसमें याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, यानी जो जायगोट में होने वाले डिवीजन है वो भी इनमें समवट सेम होती हैं, एज वेल एज ब्लास्टुलेशन की बेस पर भी, एज वेल एज गैस्टुलेशन बेसिस पर भी, एज वेल एज बायोकेमिकली भी सिमिलरिटीज होती हैं। जो लार्वल स्टेजेस होती हैं इनकी विथ कॉर्डेड्स विथ हेमी कॉर्डेड्स एज वेल एज कॉर्डेड्स। किस बेस पर? क्लीवेज की बेस पर, यानी डेवलपमेंटल बेसिस पर, ब्लास्टुलेशन की बेसिस पर, गैस्टुलेशन की बेसिस पर, डेवलपमेंट की बेसिस पर, एज वेल एज सम आर्ट
मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर या मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी इनकी सिमिलैरिटीज होती हैं, यानी दे हैव एफिनिटीज, दे हैव सिमिलैरिटीज। क्योंकि एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटीज। तो बेटा ये सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल पैटर्न की बेसिस पर ये एकांडरमीट्स, हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स आपस में रिसेंबल करते हैं। दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टर सेड टू बी एफिनिटीज, मींस सिमिलैरिटीज अमंग दीज फाइलास। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो लास्ट वन फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा। तो बेटा याद रखिएगा, फाइलम कॉर्डेटा में 45,000 स्पीशीज आती हैं। हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर? 45,000 स्पीशीज आर देयर। कितनी स्पीशीज हैं? 45,000 स्पीशीज हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर की, तो याद रखिएगा कॉर्डेट्स लार्वी जो होते हैं इनके पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज कैरेक्टर हैं जो और किसी फाइलम के पास नहीं है। कॉर्डेट्स के हवाले से देखा जाए तो विथ नोटोकार्ड, इसकी मीनिंग क्या बनती है? फॉर्म्स विथ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, इनके पास नोटोकार्ड। लेकिन इनकी जो लार्वेज होते हैं या इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं, इनके जो लार्वे हैं, इनके पास कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर होते हैं जिनमें याद रखिएगा कि सबसे पहले दी नोटोकार्ड, नोटोकार्ड याद रखिएगा, ये एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है जो कि सपोर्ट करती है बॉडी टिश्यूज को, बॉडी मसल्स को, एज वेल एज बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी की शेप को मेंटेन करती है। और प्रोसीडिंग ग्रुप्स में, हायर ग्रुप्स में, यह नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? इट इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है जो कि कहां से गुजरती है? फ्रॉम दी मिड डॉर्सल लाइन से गुजरने वाली कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। जैसा कि अगर हम देखें यहां पर, मैं आपको अगर इसका एम्ब्रियो बना के दिखाऊं, तो याद रखिएगा एम्ब्रियो या लार्वल स्टेज इस तरह होती है इन केस ऑफ दी कॉर्डेट्स। अब इसमें ये जो लाइन जो कि मिड डॉर्सल लाइन से गुजरती है, दिस इज कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करती है बॉडी के की शेप को, एज वेल एज मसल्स एंड बहुत सारे टिश्यूज को, और स्पेशल फॉर्म देती है। और मिड डॉर्सल लाइन से गुजरने वाली कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर को नोटोकार्ड कहते हैं, जो कि स्पेशलाइज कैरेक्टर है कॉर्डेटा का। और कॉर्डेट्स नाम ही इस वजह से रखा गया है, ये इन दी प्रोसीडिंग ग्रुप्स, इन द हायर ग्रुप्स, दी नोटोकार्ड विल बी डेवलप इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, इसको वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस करता है। अदरवाइज जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो है वो बॉडी सपोर्टिंग के लिए, बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए, या ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो है वो ओनली नोटोकार्ड होती है। देन नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है दैट इज द होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। कौन सा बेटा? होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये याद रखिएगा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ दी नोटोकार्ड पाई जाती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
carries the nerve cells, or we can say that thousands of neurons jo hai is hollow dorsal nerve cord se guzar rahi hoti hain. Yaad rakhiyega, like this, this is the hollow dorsal nerve cord, jiske andar kya maujood hota hai, जिसके अंदर फ्लूड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, दैट इज कॉल्ड CSF, एज वेल एज याद रखिएगा इसमें मौजूद होती हैं थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं, और यही नर्व कॉर्ड याद रखिएगा इसका इंटीरियर रीजन प्रोसीडिंग डेवलपमेंट इट विल बी चेंज इनटू ब्रेन, और पोस्टीरियर जो है हायर ग्रुप्स में इनटू दी याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड, इसमें चेंज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में. अब इसका जो एंटीरियर है एंटीरियर वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रेन में, और जो पोस्टीरियर है दैट विल बी चेंज इनटू स्पाइनल कॉर्ड इन द प्रोसीडिंग development and proceeding groups. This is into the brain anterior region and into the spinal cord. तो ये second one character है hollow nerve cord का होना, और जो third one character है that is the pharyngeal gill cells. pharyngeal pharyngeal gill cells, pharyngeal gill cells ये थर्ड वन कैरेक्टर है इन केस ऑफ द लार्वल स्टेज, इन केस ऑफ लार्वे ऑफ द कॉर्डेट्स. याद रखिएगा ये pharyngeal gill cells जो इस तरह होते हैं like this, this is called pharyngeal gill cells. थोड़ा सा हमने इसको स्पेल को यहां पर मिस्टेक कर दिया है, pharyngeal pharyngeal gill cells. तो pharyngeal gill cells जो हैं ये मौजूद होते हैं larval stage में, और जो pharyngeal gill cells हैं in case of aquatic animals, some of the aquatics में develop होते हैं into the gills. And in case of terrestrial animals में during the course of development it will be disappear. क्या हो जाते हैं, disappear हो जाते हैं, और इस place or we can say that replaced into the lungs and or we can say that to respiratory system. तो ये तीन बड़े character हैं जो कि notochord एज वेल एज होलो डार्सल नर्व कॉर्ड एंड pharyngeal gill cells जो के कॉर्डेट्स लार्वी के पास मौजूद हैं. ये हमने देखा दिस इज दी होलो डार्सल नर्व कॉर्ड एंड देर इज pharyngeal gill cells एंड दिस इज नोटो कॉर्ड. ये वो कैरेक्टर हैं जो के एसेंशियल हैं इन केस ऑफ लार्वे. दूसरा अदर वन कैरेक्टर अगर देखा जाए तो इनके पास पोस्ट एनल टेल ये वाला रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एनल टेल. इनके पास पोस्ट एनल टेल मौजूद होती है.
क्या मौजूद होती है, पोस्ट एनल टेल, और फिर इनके पास इस तरह बल्किंग ऑफ मसल्स मौजूद है, और बल्क ऑफ मसल्स होना ये भी कॉर्डेट्स लार्वे की निशानी है। क्या है नेक्स्ट वन कैरेक्टर, बल्क ऑफ मसल्स, बहुत सारे मसल सेल्स का होना, मसल्स का होना ये भी कैरेक्टर लार्वी स्टेज का है, ये एडिशनल कैरेक्टर हैं। दीज थ्री आर एसेंशियल कैरेक्टर एंड दीज आर आल्सो एडिशनल कैरेक्टर, जिसमें बल्क ऑफ मसल्स। अब ये पांचों कैरेक्टर जो कि लार्वी ऑफ द कॉर्डेट्स के पास मौजूद हैं, जिसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इन पांचों कैरेक्टर के साथ ये डायग्राम आपके सामने है। अब याद रखिएगा, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, अब हम पहले मजीद इसको क्लासिफाई कर देंगे, इसे कैटेगराइज कर देंगे फाइलम कॉर्डेटा को। तो जब मजीद हम क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग करते हैं कॉर्डेट्स की, तो उसका चार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन आर वी कैन से दैट दी ग्रुपिंग ऑफ कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा की ग्रुपिंग भी हम देखते हैं, लेकिन ग्रुपिंग से पहले मैंने आपको बताया था कि हम एवोल्यूशनरी कैरेक्टर हमेशा से डिस्कस करते हैं, बजाय कि हम ग्रुपिंग को देखें, हम सबसे पहले एवोल्यूशनरी कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। ग्रुपिंग को इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टर्स, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन जो कैरेक्टर आए हैं प्रोसीडिंग फाइलाज में, वो हमने डिस्कस करने हैं, जिनमें सबसे पहले दे आर यू मेटाजोआ। देखिए ये कैरेक्टर सिर्फ जो है वो पॉरीफेरा से आगे सारे प्रोसीडिंग ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। देन ट्रिप्लोब्लास्टी भी होती है इनमें, यानी ट्रिप्लो ब्लास्टिक्स भी हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मिजोड्रम, एक्टो मिजो एंड एंडोड्रम, तीनों ड्रम्स, तीनों जर्मिनल लेयर मौजूद होती हैं। दे आर बायोलेटरल सेमेट्रिकल, बायोलेटरल सेमेट्रिकल्स कहलाते हैं बेटा, इनमें बायोलेटरल सेमेट्रिकल हैं और ट्रू सिलोमेट्स भी हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी यानी सिलोम भी होती है। नेक्स्ट वन कैरेक्टर, दे आर डिटीरोस्टोम्स, बेटा डिटीरोस्टोम्स जो है इन्हें कहा जाता है, बिकॉज इनमें ब्लास्टोपोर जो है वो पहले डेवलप होती है इनटू, जर्मिनेट करती है एनल टिश्यूज को एंड देन इनटू द माउथ। तो ये हमारे पास एवोल्यूशनरी कैरेक्टर हैं, यूमेटाजोआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोलेटरल सेमेट्रिकल, सिलोमेट्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, दीज आर द एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स एंड दीज आर द फाइव लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज लार्वल डायग्राम, लेबल लार्वल डायग्राम विद देयर फाइव मेजर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फाइलम कॉर्डेटा को, जो कि 45,000 स्पीशीज पर मुश्तमिल है, अगर हम इसे क्लासीफाई करें, इसका क्लासिफिकेशन चार्ट देखें, तो बेटा याद रखिएगा इसमें दो बड़े ग्रुप आते हैं, एक ए क्राइनेटा, ए क्राइनेटा, ए क्राइनेटा, और दूसरा है
क्राइनेटा, दीज आर द ग्रुप्स. इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. पहला ग्रुप है ग्रुप क्राइनेटा, दूसरा ग्रुप है ग्रुप ए क्राइनेटा और दूसरा है क्राइनेटा. ए क्राइनेटा को याद रखिएगा हम प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं. इट मींस फर्स्ट कार्डेट्स. प्रोटोकार्डेट्स किसे कहते हैं? प्रोटो कार्डेट्स या कार्डेटा भी कहा जाता है, विच मींस फर्स्ट कार्डेट्स. फर्स्ट कार्डेट्स, तो ये सबसे पहले जो कार्डेट्स हैं उन्हें प्रोटोकार्डेटा में रखा जाता है. प्रोटोकार्डेटा के पास कैरेक्टर ये है कि दे आर विदाउट ब्रेन बॉक्स. इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता, इट मींस ब्रेन केज नहीं होता, इट मींस इनके पास करेनियम नहीं होती. विदाउट करेनियम, और दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं विदाउट विदाउट करेनियम मींस, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं ब्रेन केज, या इसे नाम देते हैं ब्रेन बॉक्स. इनका जो ब्रेन है नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन केज, ब्रेन बॉक्स और करेनियम, इन्हें प्रोटोकार्डेट्स यानी फर्स्ट कार्डेट्स का नाम देते हैं. अब पहले हम इसी ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं. तो बेटा याद रखिएगा कि एक क्राइनेटा को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू टू ग्रुप्स. एक हमारे पास आता है सब फाइलम व्हाट दी यूरोकार्डेटा. इसमें याद रखिएगा यूरोकार्डेट मींस नोटोकार्ड इन द टेल. नोटोकार्ड इन द टेल, इनमें नोटोकार्ड टेल में होती है. और इसी एक क्राइनेटा का दूसरा सब फाइलम है सब फाइलम दैट इज दी व्हाट. दूसरे सब फाइलम सेफलोकार्डेटा. सेफलोकार्डेटा दूसरा सब फाइलम है. इसी तरह जब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सब फाइलम यूरोकार्डेटा को, तो याद रखिएगा नोटोकार्ड इन द टेल. जब नोटोकार्ड इन द टेल है तो इसके पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज एसिडिया. एसिडिया इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. तो इनके अगर कैरेक्टर्स देखे जाएं तो बेटा याद रखिएगा इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर हैं, पहला कैरेक्टर तो यह है कि नोटोकार्ड कहां होती है बेटा? टेल में. दूसरा, इनकी बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिक मेम्ब्रेन. बॉडी जो इनक्लोज्ड होती है That is by the tunic membrane. For example, हम एक स्केच अगर देखें in case of the tunicates का, तो इस तरह स्केच होता है. इसमें जो outermost एक membrane कवर करती है इनकी बॉडी को, जिसे हम नाम देते हैं tunicates या tunic membrane कहते हैं. ट्यूनिक, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है. ये आपने याद रखना है कि ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं. इनके पास मौजूद होती है ट्यूनिक मेम्ब्रेन.
दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। तो बेटा फिर इनके पास जो ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग को हम नाम देते हैं बक्कल साइफोन, बक्कल साइफोन, जिसे इन करंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इन करंट। और दूसरा याद रखिएगा आर्ट्रियल साइफोन, क्या कहते हैं इसको? आर्ट्रियल साइफोन, जिसको हम एक्स करंट भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? एक्स करंट। जहां से पानी लीव करता है किसको? एक्स करंट। क्योंकि ये बाय नेचर वाइज याद रखिएगा दे आर फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स होते हैं। यहां से वाटर इंटर होता है, जहां से वाटर इंटर होता है तो वो कैरी करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन यहां से पानी लीव करता है तो याद रखिएगा वाटर जो है वो क्या करेगा? लीव्स द बॉडी। और क्या कैरी कर रहा है? वेस्ट मटेरियल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज गैमेट्स, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट वाले होंगे, सिस्टम्स आर वेल डिफाइंड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इनके जो लार्वे होते हैं वो लुक लाइक दिस, इस तरह होते हैं इनके लार्वे। और हमने पढ़ा कि यूरोकार्डेट का मतलब है नोटोकार्ड इन द टेल, तो इनके पास जो नोटोकार्ड होती है वो लार्वे की टेल में होती है। और जैसे ये एडल्ट में चेंज होंगे, दिस इज लार्वे एंड दिस इज एडल्ट, जैसे ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लार्वे एडल्ट में जाएंगे तो इनमें क्या होता है? प्रोसेस आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है व्हाट? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं दी लॉस ऑफ टेल, लॉस ऑफ टेल, लॉस ऑफ टेल अलॉन्ग विथ नोटोकार्ड। इसमें नोटोकार्ड जो है वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जब इनकी टेल कटती है तो इनकी नोटोकार्ड भी डिसअपियर हो जाएगी। नोटोकार्ड क्या हो जाएगी? लॉस ऑफ टेल एंड नोटोकार्ड, आर वी कैन से दैट द नोटोकार्ड विल बी डिसअपियर। इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव, रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स हो जाना। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? इन द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में यहां पर लॉस्ट हो रही है नोटोकार्ड और टेल लॉस्ट हो जाती है जब ये एडल्ट में जाते हैं। बाकी इनके पास फिल्टर फीडर, मैंने आपको बता दिया कि सारे सिस्टम्स होते हैं, गोनाड्स होते हैं, बाकी जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन मेजर कैरेक्टर इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है, फिल्टर फीडर नेचर होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और लार्वल स्टेज में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, ये अपने टेल को लॉस्ट करेंगे और एडल्ट में चेंज होते हैं, और इनके एडल्ट होते हैं सिजाइल। याद रखिएगा इनके एडल्ट क्या होते हैं? एडल्ट आर सिजाइल, एडल्ट सिजाइल हो जाते हैं जब ये अपने टेल को लॉस्ट कर देते हैं। तो एसिडिया मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, एंड मोस्टली दे आर मैरीन, और दिस इज दी फाइलम, सब फाइलम यूरोकार्डेटा विथ एग्जाम्पल। अब हमारे पास दूसरा जो सब फाइलम है एक्राइनेटा का, जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं है, इनमें क्या होता है? इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जब हम उनके कैरेक्टर्स जिस तरह यहां पर हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, जब यहां पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो बेटा याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर में इनका कैरेक्टर यह है कि दे इनमें नोटोकार्ड फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकार्ड रन फ्रॉम हेड टू टेल, इनमें नोटोकार्ड जो है वो हेड टू टेल रन करती है। इन्हें ब्रैंचियोस्टोमी कहा जाता है, ब्रैंचियो स्टोमा कहते हैं। इनका टिप्ड माउथ होता है, फ्रिकेटेड माउथ होता है, इसलिए कहते हैं ब्रैंचियोस्टोम्स। एंड दे रिमेन बरीड इन द सॉइल। ये कहां मिलते हैं आपको? सी शोर के करीब करीब, क्योंकि ये मैरीन है तो ये सी शोर के करीब करीब आपको बरीड फॉर्म में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? बरीड इन दी सॉइल आर वी कैन से दैट इन द सैंड। ये सी शोर के करीब फ्यू सेंटीमीटर बिलो दी सैंड आर सॉइल, जहां पर गीली मट्टी होती, जहां पर समंदर की लहरें बार बार आ रही होती हैं, वहां ये बरीड फॉर्म में होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो इनके अंदर जो नोटोकार्ड है वो ये ब्रैंचियोस्टोम्स हैं, इनका ब्रैंचियो माउथ है। तो इनमें नोटोकार्ड लाइक दिस हेड टू टेल रन करती है, हेड से लेकर टेल तक नोटोकार्ड रन करेगी। दिस इज नोटोकार्ड, नोटोकार्ड दिस इज ब्रैंचियो माउथ साइड एंड दिस इज टेल साइड। तो हेड टू टेल नोटोकार्ड इनके रन करती है। जो सब फाइलम सेफलोकार्डेट्स में आते हैं इनका ब्रेन प्रोटेक्टेड नहीं है, इनके पास ब्रेन केज नहीं है, बरीड है, ब्रैंचियोस्टोमा कहते हैं, नोटोकार्ड इन द टेल। एम्फीऑक्स कॉमन एग्जाम्पल है इसकी, ये जो एग्जाम्पल हमने दी दैट इज कॉल्ड एज एम्फीऑक्स, एम्फीऑक्स मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसकी इन केस ऑफ सेफलोकार्डेट्स। ये हमारे पास ग्रुप ए क्रेनेटा को हमने दो सब फाइला में डिवाइड किया। अब हम फिर आते हैं टू वर्ड्स दी क्रेनेटा मींस विथ ब्रेन बॉक्स। इन्हें कहा जाता है विथ ब्रेन बॉक्स एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम। इनमें क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन बॉक्स होता है बेटा। अब वर्टिब्रल कॉलम भी है, ब्रेन बॉक्स भी है, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। अब क्रेनेटा को भी क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू सब फाइलम्स। इसमें सब फाइलम याद रखिएगा ए नेथा, ए नेथा, और दूसरा सब फाइलम है सब फाइलम नेथोस्टोमेटा। क्या कहेंगे? नेथो स्टोमेटा कहते हैं। तो नेथोस्टोमेटा एज वेल एज ए नेथा, इसे कहा जाता है माउथ विदाउट जॉज, माउथ विदाउट जॉज। इनके पास जॉ नहीं होते, जबड़े नहीं होते हैं, मैंडिबुलर मैक्सिला यानी जबड़े नहीं होते इनके पास। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेथा, तो बेटा याद रखिएगा ए नेथा में
जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दे आर मींस नो जॉल्स, इनके पास जबड़े नहीं होते, इन्हें साइक्लो स्टॉर्म्स कहते हैं और राउंड माउथ होता है। साइक्लोस्टॉर्म का मतलब होता है राउंड माउथ। एंड इनके पास सॉकेट ऑफ टीथ होगा, टीथ एंड टेंटेकल्स, टेंटेकल्स भी होते हैं, सॉकेट ऑफ टीथ भी होते हैं, माउथ इनका राउंड होता है। और अगर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, इनके पास स्केल भी होते हैं और फिन्स भी होते हैं, स्केल भी हैं, लेकिन इनका जो राउंड माउथ है दैट इज फिटेड बाय द सॉकेट ऑफ टीथ एज वेल एज द टेंटिकल्स। इनमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं वो आती हैं हॉगफिश एज वेल एज लैम्प्रे। अब दे आर पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर यानी शिकारी भी होते हैं, होती हैं ये, इन्हें हॉगफिश एंड लैम्प्रे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स हैं। इनके पास सॉकेट ऑफ टीथ होता है राउंड माउथ में और टेंटिकल्स होते हैं, साइक्लोस्टोम भी कहा जा रहा है इनको। क्या कहा जा रहा है बेटा? साइक्लोस्टोम, और जॉ नहीं होते इनके पास। ये हमारे पास ये नेथा की कहानी है। इनके पास याद रखिएगा स्केल्स भी हैं फिशेस की तरह और इनके पास फिन्स भी हैं, इसलिए हॉग फिश इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, राउंडेड माउथ वाली फिश। देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट वन जो सब फाइलम है दैट इज द सब फाइलम नेथोस्टोमेटा, जिसे हम कहते हैं माउथ विथ जॉज, माउथ विथ जॉज। इनके माउथ में जॉज होते हैं, मीन्स दे आर हैविंग। अब इनके जो कैरेक्टर हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा याद रखिएगा इनके कैरेक्टर्स में माउथ के पास जॉ होते हैं, माउथ हैविंग जॉज यानी जबड़े होंगे इनके पास। दूसरा विद आर विदाउट टीथ्स, टीथ्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन इनका मेजर कैरेक्टर ये है। अब ब्रेन बॉक्स इस सब फाइलम के पास भी होगा, यहां भी होगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर कैरेटा का है ही ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम है, यहां वर्टिब्रल कॉलम भी होगा, ब्रेन बॉक्स भी, यहां भी वर्टिब्रल कॉलम भी और ब्रेन बॉक्स भी। हम इसके एडिशनल कैरेक्टर देख रहे हैं माउथ विथ जॉज विद आर विदाउट टीथ्स। ये हमारे पास जो है वो, जिसमें बहुत सारी हमारे पास इसके एग्जाम्पल आती हैं, जिनमें फिशेस भी आते हैं, जिनमें टेट्रापोड्स भी आते हैं, इसलिए हम नेथोस्टोमेटा को क्लासीफाई करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये तो कैरेक्टर थे, अब हम देख रहे हैं नेथोस्टोमेटा को, नेथोस्टोमेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं बेटा हम। अब नेथोस्टोमेटा सब फाइलम को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इनके पास दो बड़ी क्लासेस बनती हैं, इनको सुपर क्लास कहते हैं, सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोड्स, सुपर क्लास टेट्रापोड्स मींस विद द फोर लिम्स।
अब जो पाइसिस हैं जिन्हें हम नाम देते हैं फिशिज, तो याद रखिएगा फिशिज जो है सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं, और साइंस ऑफ फिशिज को हम नाम देते हैं एक्थायोलॉजी। क्या नाम देते हैं? एक्थायोलॉजी का नाम देते हैं। इट इज द साइंस ऑफ फिशिज, व्हाट कॉल्ड स्टडी आर वी कैन से डेट साइंस ऑफ फिशिज सेड टू बी एक्थायोलॉजी। और इस ग्रुप को, सुपर क्लास को हम डिवाइड करते हैं दो बड़ी क्लासेस में, जो के क्लास कॉन्ड्रिच थाइस एंड क्लास ऑस्टिच। ऑस्टिच थाइस, तो ऑस्टिच थाइस एंड कॉन्ड्रिच थाइस, जिसमें बाउनी फिशेज एंड कार्टिलेजस फिशेज हैं, जिनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन टेट्रापोड्स को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है चार बड़ी क्लासेस में, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, एंड फोर्थ वन क्लास में क्लास मैमल्स। ऐसे एनिमल जो अपने यंग वन को मिल्क से नरिश करते हैं या मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मैमिलिया, टेट्रापोड्स की, जिनके पास फोर लिम्स होते हैं, यानी टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। पाइसिस जिनमें फिशेज आते हैं, साइंस ऑफ पाइसिस को हम एक्थायोलॉजी का नाम दे रहे हैं, जो कि सब डिवाइडेड है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस, क्लास ऑसिस्थाइस, इसको हम बाउनी फिशेज और कार्टिलेजस फिशेज कहते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स नेथा ग्रुप जो है, जिसे हम कहते हैं नेथा, बेटा हमारे पास जो नेथा है, सब फाइलम, इट इज सब डिवाइडेड इनटू, इट इज अ सब फाइलम, इसको हम सब डिवाइड करते हैं इनटू टू सुपर क्लासेस, दो बड़ी सुपर क्लासेस में इसको रखा जाता है, जिनमें सुपर क्लास पाइसिस, जिनमें इंक्लूड होती हैं फिशेस, और दूसरी सुपर क्लास है सुपर क्लास दी दैट इज टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। याद रखिएगा सुपर क्लास टेट्रापोडा एज वेल एज सुपर क्लास पाइसिस। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पाइसिस में आती फिशेज और फिशेज की स्टडी को एक्थायोलॉजी कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो फिशेज को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास पाइसिस को सब डिवाइड किया गया है इनटू टू क्लासेस, क्लास कॉन्ड्रिच थाइस जिसको हम नाम देते हैं दी कार्टिलेजस फिशेज,
एंड क्लास ऑस्टिच थाइस, जिसे हम नाम देते हैं बॉनी फिशेस। तो बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ दी कार्टी लिजीनियस फिशेस मींस, जिनमें आपने याद रखना है कि जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजस होती हैं, उन फिशेस को हम नाम देते हैं कार्टिलेजस फिशेस, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड इलाज्मो ब्रांची टिप्ड माउथ। इलाज्मो ब्रांची कहते हैं। और अदर कैरेक्टर में देखें हम, तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो हमने डिस्कस किया था कि एलाइज्मो ब्रांची एज वेल एज ब्लेकॉइड स्केल्स, शार्प स्केल्स होते हैं, और देन हेट्रोसेरिकल हेट्रोसेरिकल्स यानी फिन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, एज वेल एज एक्सपोज गिल्स, इनके गिल्स जो होते हैं दे आर एक्सपोज्ड। प्लेक्वाइड स्केल होते हैं, हेट्रोसेरिकल हैं, लाजो ब्रांची कहते हैं, और एक्सपोज गिल्स होते हैं अबाउट 5 to 7 गिल्स मौजूद होते हैं इनमें। तो इनकी अगर स्ट्रक्चर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द शार्क इनके जो सेरिकल्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, दीज आर कॉल्ड टेल फिन्स, दीज आर कॉल्ड एज लैटरल फिन्स। तो बेटा याद रखिएगा जो लैटरल एंड टेल फिन्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, इनके पास प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं और एक्सपोज गिल्स होते हैं, इनके गिल्स इस तरह एक्सपोज होते हैं 5 to 7 तक इनके गिल्स इस तरह एक्सपोज होते हैं, इसे कहते हैं एक्सपोज गिल्स, एक्सपोज्ड गिल्स। और दीज आर द लैटरल फिन्स, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर हेट्रोसेरिकल क्योंकि डिफरेंट शेप्स के हैं। टिप माउथ एलाज्मो ब्रांची कहते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आती हैं दैट इज शार्क, डॉग फिश एज वेल एज स्कैट्स, रे फिशेस, ये सारी की सारी किस में आती हैं, कार्टिलेजस फिशेस में आती हैं, इसको क्लास कॉन्ड्रिक्स थाइस कहते हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम देखें हमारे पास ऑस्टिच थाइस जिन्हें नाम दिया जाता है बाउनी फिशेस, क्या नाम देते हैं बाउनी फिशेस का नाम देते हैं। तो बाउनी फिशेस जिनमें एंडोस्केलेटन ट्रू बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज टीलो स्टोमी, इनका सेकंड नेम है टीलो स्टोमी। और इनमें स्लिपरी स्केल्स होंगे और इनके पास अपरक्यूला मौजूद होता है लंग्स को, अपरक्यूला ओवर गिल्स, गिल्स के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर अपरक्यूला होती हैं, इसलिए इसे कहा जाते हैं कवर्ड गिल्स। क्या कहा जाता है कवर्ड गिल्स का नाम देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा इनके पास कवर्ड गिल्स होते हैं और कवर बनाती है अपरक्यूला। अब इसमें
दे आर कॉल्ड एज दी होमोसेरिकल। याद रखिएगा, या तो इनके फिन्स इक्वल साइज एंड शेप के होंगे या फिर डाइफोसेरिकल, यानी टू डिफरेंट शेप्स एंड साइज के, डाइफोसेरिकल भी हो सकते हैं और होमोसेरिकल भी हो सकते हैं। अब कवर्ड गिल्स मौजूद हैं इनके पास, टीलोस्टोमी का नाम देते हैं। और याद रखिएगा, अब इनकी जो एग्जोस्केलेटन होती है वो सेंट्रोइड या साइक्लोइड की फॉर्म में, साइक्लोइड और सेंट्रोइड इस तरह रिंग्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, लाइक दिस। इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है बोन्स की, एग्जोस्केलेटन्स की। अब हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर है, दैट इज दी कवर्ड गिल्स, हेट्रोसेरिकल, साइक्लोइड बोन्स। अब हम जब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो लाइक दिस, अगर आप देखें फिशेस में तो यहां पर दीज आर द गिल्स, लेकिन इसके ऊपर इस तरह कवर होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरक्यूला, अपर क्यूला का नाम देते हैं। स्लिपरी स्केल्स होते हैं और इक्वल साइज एंड शेप के फिन्स या टू डिफरेंट साइज एंड शेप के फिन्स होते हैं। ऐसी फिशेस को हम नाम देते हैं दी ऑस्टिश थाइस। एग्जाम्पल हमारे पास ईल है, एग्जाम्पल हमारे पास फ्लाइंग फिश है, एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो पल्ला है, एग्जाम्पल हमारे पास जो खग्गा है, और बहुत सारी एडिबल फिशेस भी इसमें आती हैं। इसमें ईल है, फ्लाइंग फिश है, एज वेल एज, लेकिन याद रखिएगा इसी जो हमारे पास ऑस्टिश थाइस ग्रुप है, इसी में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ फिशेस जिनको हम नाम देते हैं लंग्स फिशेस, लंग फिशेस कहते हैं, जिनके याद रखिएगा ओनली वन जेनरा है, वन ऑर्डर, थ्री जेनरा है, वन ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं डायपोनी, इसके ऑर्डर का नाम है डायपोनी ऑर्डर। और इसमें एग्जाम्पल है प्रोटोटेरा, जिसे हम नाम देते हैं अफ्रीकन लंग फिश। याद रखिएगा अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं जिसे हम, ओके, और या ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहा जाता है। इसके पास खास किस्म के लंग्स होते हैं, इसलिए ये पानी के बगैर भी टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर भी सम वाटर स्पायर करती हैं, जिन्हें लंग्स फिशेस का नाम देते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्रोटोटेरस, जिसे कहा जाता है अफ्रीकन लंग फिश। ये ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में पाई जाती हैं, एंड दे कैन सर्वाइव आउटसाइड द वाटर बिकॉज दे हैव एयर ब्लेडर एंड द लंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव ऑन द टेरेस्ट्रियल प्लेस आल्सो। तो ये हमारे पास मेजर कैरेक्टर थे क्लास ऑस्टिश थाइस और क्लास कॉन्ड्रिच थाइस के, जो के सब क्लास, ये दोनों क्लासेस हैं सुपर क्लास पाइसिस की। और याद रखिएगा एक्थायोलॉजी कहते हैं द साइंस ऑफ फिशेस को, कहा जाता है एक्थायोलॉजी। और फिशेस की डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें तो हम यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन को भी मैं आपको डिस्कस कर दूं कि फिशेस वो एनिमल हैं जिनके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, एज वेल एज द गिल ब्रीथर्स, स्केल्स होंगे और फिन्स होते हैं, टेल फिन्स एंड
द लेटरल फिन्स। तो इसकी डेफिनेशन आप आसानी बना सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो, कौन सी बॉडी हो, स्ट्रीमलाइन बॉडी, गिल ब्रीथर्स हो, स्केल्स हो, लेटरल एंड टेल फिन्स हो, ऐसे एनिमल को फिशेस कहते हैं। इसे हमने डिवाइड किया जो कि सुपर क्लास पाइसिस में आ रहे हैं, और जिसे हमने डिवाइड किया है दो बड़ी क्लासेस में जिनमें कॉन्ड्रोस्थाइस कॉटलीजस फिशेस, ऑस्टिस्थाइस बॉनी फिशेस। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ द नेक्स्ट सुपर क्लास दैट इज द टेट्रापोडा, जिसको हमने डिस्कस किया था कि जिन्हें हम टेट्रापोड्स कहते हैं, और टेट्रापोडा को, सुपर क्लास टेट्रापोडा को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसे डिवाइड किया गया है हाउ मैनी क्लासेस में। अब यहां पर सुपर क्लास कौन सी है, सुपर क्लास टेट्रापोडा मींस टू पेयर्स ऑफ लिम्स जिनके पास मौजूद होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं द टेट्रापोड्स। इनके पास क्या होते हैं, टेट्रापोड्स टू पेयर्स ऑफ लिम्स क्या मौजूद हैं बेटा, इनके पास लिम्स मौजूद होते हैं। दे आर सब डिवाइडेड इंटू क्लास एम्फीबिया देन क्लास रेप्टिलिया सेकेंड क्लास है रेप्टिलिया और थर्ड वन क्लास है क्लास एब्स और फोर्थ वन क्लास है क्लास मैमिलिया। ओके इसमें आते हैं मैमिलिया मींस मैमल्स, एब्स मींस बर्ड्स। अब इसमें एम्फीबियंस आएंगे तो बेटा इन केस ऑफ एम्फीबियंस देखा जाए जिनको हम कहते हैं ड्यूल लाइफ, ड्यूल लाइफ्स कहा जाता है। ड्यूल लाइफ कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक भी हों एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हों, ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं ड्यूल नेचर लाइफ्स। और जिसमें अगर देखा जाए तो इसकी एग्जांपल्स में फ्रॉग आता है, इसमें सलाइमेंडर आएगा, ठीक है, और इसमें टोड्स आते हैं। ये सारे के सारे एम्फीबियंस में हम काउंट करते हैं और इन्हें ड्यूल नेचर कहा जाता है। जब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बेटा इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें सबसे पहले इनकी स्किन जो होती है वो नेक्ड होती है, नेक्ड स्किन जिसे स्लिपरी नेक्ड एंड मोइस्ट कहते हैं, बहुत ज्यादा नम होती क्योंकि म्यूकस ग्लैंड होते हैं इनकी स्किन के नीचे, और ये रिस्पायरेशन स्किन के जरिए भी करते हैं। अब नेक्ड स्किन है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं इनके पास, कितने लिम्ब्स हैं, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। देन इन केस ऑफ दे हैव फिनोमेना ऑफ दे आर कॉल्ड पोएकिलोथर्म्स, और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एक्टोथर्म्स। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इनको एक्टोथर्म्स कहते हैं और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में पोएकिलोथर्म्स कहते हैं, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन से फ्लैक्चुएट होना शुरू हो जाए या अफेक्टेड हो, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं पोएकिलोथर्म्स। और यही पोएकिलोथर्म्स इसी पोएकिलोथर्मी की वजह से या एक्टोथर्मी की वजह से ये जाते हैं फिनोमेना ऑफ एस्टिवेशन में या फिर हाइबरनेशन, हाइबर
हाइबरनेशन में, बेटा एस्टिवेशन कहते हैं, दैट इज दी समर स्लीप, इसमें ओवर टेम्परेचर से बचने के लिए अपने आप को मड में लेकर जाते हैं, और मड आपने देखा होगा सर्दियों गर्मियों में मड जो होती है वो ठंडी होती है, ज़मीन का पानी अगर आप निकालें नल से तो याद रखिएगा वहाँ पर जो है वो ज़मीन का पानी गर्मियों में ठंडा होता है। उसकी वजह ये है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो बहुत कम होती है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए मड जो है वो ठंडी होती है, तो ये अपने आप को मड में छुपा लेते हैं गर्मियों में। इसी तरह जब टेम्परेचर एनवायरमेंट का लो होता है तो उस वक्त सर्दियों में ख़ास तौर पर तो लो टेम्परेचर से बचने के लिए इनमें विंटर स्लीप का प्रोसेस होता है, हाइबरनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉरी लो हो जाता है, और जियोथर्मल एनर्जी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को गर्म रखने के लिए मड में चले जाते हैं। तो गर्मियों में मड जो है वो ठंडी होती है और सर्दियों में मड जो होती है जो गर्म होती है, इस वजह से ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट ना हो ये अपने आप को मड में ले जाते हैं। अब इनके इन्हें हम कहते हैं एन एमनियोटा, इनके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एग विदाउट एमनियोटिक एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इनके एग के अराउंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड नो शेल, ना ही इनके पास एग के अराउंड किसी किस्म का शेल होता है। अब पोयोक्यूलोथर्म्स हैं, टू पेयर्स ऑफ लिंग्स हैं, नेकेड स्किन होती है, और एनएमनियोटा में आते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। अब इनके अंदर जो मोस्टली रिस्पायरेशन होती है, याद रखिएगा रिस्पायरेशन वाया गिल्स, जिसे गिल रिस्पायरेशन कहते हैं, एज वेल एज वाया लंग्स, जिसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं, एज वेल एज वाया स्किन, जिसे क्यूटीनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, एज वेल एज वाया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, जिसे हम बैकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने देखी फ्रॉग्स, टू सलैमेंडर एंड टूड्स, ये जो है एम्फीबियन में आते हैं, जिनको ड्यूल नेचर लाइफ कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्लास है, क्लास रेप्टिलिया। तो याद रखिएगा जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में से तो पहली बात कि आपके एंट्री टेस्ट में कोई ऐसा सवाल नहीं निकलता, लेकिन फिर भी जब आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो एम्फीबियन की एवोल्यूशन हुई है वो हुई है लोब्ड फिशेज से, लोब्ड फिशेज से एम्फीबियन इवॉल्व हुए, और देन थेरेप्सिडा से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स। तो जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो बेटा इनमें आते हैं क्रॉलर्स एंड क्रीपर्स, याद रखिएगा क्रॉलर्स एंड क्रीपर्स जो है इसमें आते हैं इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर अगर देखे जाएं तो बेटे याद रखिएगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर में सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि इनके स्केल कवर्ड बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल कवर्ड बॉडी, थिक जो है वो स्केल्स होते हैं, हार्ड कवरिंग स्केल्स होते हैं, दे आर आल्सो पोयोक्यूलोथर्म्स, इनका बॉडी टेम्परेचर भी एनवायरमेंटल चेंज से अफेक्ट होता है, इसको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं, पोयोक्यूलोथर्म्स भी कहेंगे। अब इसमें जनरल कैरेक्टर जब हम देख रहे हैं तो पोयोक्यूलोथर्म्स हैं, एज वेल एज जो है इनकी स्किन स्केल्ड कवर्ड होती है, लेकिन अगर हम देखें इन केस ऑफ क्रॉलर्स
क्रॉलर्स भी हमारे पास आते हैं, क्रोकोडाइलियन, लिजर्ड मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइलियंस हैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल में, इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास भी लिम्स होते हैं, ओके। और क्रीपर्स में याद रखिएगा लिम्बलेस एनिमल्स आते हैं, दैट इज इन द क्रीपर्स। तो बेटा क्रीपर्स में हमारे पास एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल स्नेक, जिन्हें हम कहते हैं लिम्बलेस एनिमल्स। क्या नाम देते हैं? लिम्बलेस कहते हैं। अब पोयोक्यूरोथॉर्म्स हैं और एमनियोटा, जनरल कैरेक्टर में आप यहां लिखेंगे कि दे आर एमनियोटा, इनके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी होती है एंड एग शेल, इनके एग के अराउंड कैलिसीरियस शेल भी होता है, एग शेल भी होगा, एमनियोटा भी है, पोयोक्यूरोथॉर्म्स या एक्टोथॉर्म्स कह लें। अब इसमें स्केल कवर्ड बॉडी होती है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स हैं क्रॉलर्स की सूरत में, और क्रीपर्स की सूरत में याद रखिएगा दे आर लिम्बलेस, या एग्जाम्पल है लेजर्ड क्रोकोडाइलियन, या एग्जाम्पल है हमारे पास स्नेक्स। तो इस तरह ग्रीन टर्टल जो है ये भी क्रॉलर्स में आते हैं। तो बेटा याद रखिएगा ग्रीन टर्टल की ये निशानी है कि जहां ये बॉर्न होती है जिस सी शोर पे, जब ये मेच्योरिटी पर आती है, एग लाइन पर आती है, तो उसी ही सहरा पर, उसी ही सी शोर पर जाकर अपना एग हैचिंग करेगी। लेकिन जब हम स्नेक की बात करते हैं तो याद रखिएगा बेटा इसके पास कर्व टीथ होते हैं, इनके टीथ को हम नाम देते हैं फैंग्स, जहां से बाइट करता है इसके जो कर्व टीथ होते हैं, टीथ दो टीथ बहुत ज्यादा कर्व होते हैं, कर्व, जिन्हें हम नाम देते हैं फैंग्स। तो याद रखिएगा फैंग्स किसे कहा जाता है? जो इसके कर्व टीथ हैं। और इनकी जो पॉइजन होती है उसे हम नाम देते हैं विनोम। अब विनोम में भी न्यूरोटॉक्सिक, में भी हीमोटॉक्सिक, कुछ जहर सांप की ऐसी होती है जो आपके नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक या फिर हीमोटॉक्सिक, जहां पर भी आपकी बॉडी में ब्लड होता है वहीं पर ही क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा पॉइजन की वजह से, तो ऐसी जहर को हम कहते हैं हीमोटॉक्सिक और कुछ होती हैं न्यूरोटॉक्सिक। अगर हम क्रीपर्स में स्पेशली स्नेक में देखें तो स्नेक का ये कैरेक्टर है कि इसके पास, स्नेक का जो कैरेक्टर है इसके पास नो आईलिड्स, इनके पास आईलिड्स भी नहीं होते, इनकी आंखें खुली रहती हैं, एंड नो एक्सटर्नल ईयर्स, इनके पास ईयर्स भी मौजूद नहीं होते, नो एक्स्ट्रा ईयर्स एंड नो आईलिड्स। बाकी सारे कैरेक्टर जनरली, जनरल जो रेप्टिलिया के पास हैं वही मौजूद होंगे। देन इन केस ऑफ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लास एव्स, याद रखिएगा एव्स की जब हम बात करेंगे कैरेक्टर सिक्स की, तो बेटा एव्स में जब हम एव्स की बात करते हैं तो बेटा क्लास एव्स, यहां पर स्पेस कम है हम आगे की तरफ ले जाएंगे इसको, तो क्लास एव्स, क्लास एव्स जिन्हें हम कहते हैं बर्ड्स, क्या नाम देंगे? बर्ड्स का नाम हम देते हैं। तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ दी बर्ड्स, हमारे पास जो बर्ड्स हैं इनकी साइंस को हम नाम देते हैं ऑर्निथोलॉजी, क्या नाम देते हैं बेटा? ऑर्निथोलॉजी का नाम देते हैं, ऑर्निथोलॉजी, द साइंस या स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स के अगर हम जनरल कैरेक्टर देखें तो इनके पास फीदर्ड कवर्ड बॉडी होती है, फीदर्ड कवर्ड बॉडी, इनकी बॉडी फीदर कवर्ड है, एज वेल एज
इनके पास विंग्स होते हैं, इनके पास टूथलेस बीक होती है जिसे आप चोंच कहते हैं, उसमें दांत नहीं होते, टूथलेस बीक है, एज वेल एज जो है वो इनके पास सायरेंस होता है जिसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स, जिसे हम नाम देते हैं साउंड बॉक्स। इसलिए आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप के बर्ड्स डिफरेंट किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। टूथलेस बीक होती है, एमनियोटा में आते हैं, इनके एग के अराउंड भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड एग शेल मौजूद होता है, ये आपने याद रखना है। एंड दे आर एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स भी कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में इनको हम होमियोथर्म्स भी कहेंगे। दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट्स एंड दे कैन जनरेट ऑन बॉडी हीट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। एमनियोट साउंड बॉक्स होता है, टूथलेस बीक होती है, विंग्स होते हैं, और इनकी बॉडी याद रखिएगा स्पिंडल शेप बॉडी, यहां पर आप कवर्ड होती विट इज बाय स्पाइंडल शेप। तो इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, स्पाइंडल शेप होती है, स्पाइंडल शेप बॉडी कहते हैं इसको हम। ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर में अगर हम देखें तो हमने देखा फीडर कवर्ड, स्पिंडल शेप बॉडी, टूथलेस बीक, सायरेंक्स, एमनियोटा एज वेल एज होमियोथर्म्स कैन जनरेट ऑन बॉडी हीट। यहां पर भी हम लिखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, दीज आर जनरल कैरेक्टर्स जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा अब हमारे पास क्लास एव्स को दो ग्रुप में रखा जाता है, इसको हम सब डिवाइड करते हैं एव्स को दो बड़े ग्रुप्स में। एक हमारे पास याद रखिएगा क्लास रेटिटी और दूसरी क्लास सब क्लास, क्योंकि पीछे क्लास पढ़ चुके हैं तो ये हमारे पास क्या होंगी सब क्लास क्रैनेटी, क्रैनेटी एंड रेटिटी। तो बेटा एव्स जो है इन्हें डिवाइड किया गया है दो बड़े ग्रुप्स में, लेकिन जनरली यहां पर मैं आपको अगर बताता जाऊं इनकी फ्लाइट अडॉप्टेशन में तो कुछ अडॉप्टेशन ऐसी है जिसमें इनकी स्पिंडल शेप बॉडी, जो स्पिंडल शेप बॉडी है उसका बहुत बड़ा रोल है इन दी फ्लाइट, इसे कहते हैं फ्लाइट अडॉप्टेशंस। तो बेटा फ्लाइट अडॉप्टेशन पहले डिस्कस करेंगे सब क्लासेस से पहले। तो अडॉप्टेशन में इनके पास स्पिंडल शेप बॉडी है, दूसरा इनमें याद रखिएगा स्पिंडल शेप बॉडी के साथ साथ दे हैव कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनके पास ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इनका एंडोथर्म्स हैं ऑन बॉडी हीट जनरेट करते हैं। फिर इनके पास वेल डिफाइंड विंग्स मौजूद होते हैं, विंग्स विथ हाईली डेवलप्ड पेक्टोरल मसल्स जिन्हें फ्लाइंग मसल्स कहा जाता है, एज वेल एज एनर्जी रिक्वायरमेंट। जब हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बेटा बात करेंगे तो आपने याद रखना है कि इनके हायर मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं, इन्हें रिस्पायरेशन के लिए नेचर ने एयर सैक्स भी दी हैं, इसलिए ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं जो कि हाई एनर्जी चाहिए होती ड्यूरिंग फ्लाइट। तो बॉडी का स्पिंडल शेप होना, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाना, वेल डिफाइंड विंग्स का होना विथ पेक्टोरल मसल्स फ्लाइंग विंग्स,
और एनर्जी रिक्वायरमेंट का पूरा किया जाना बाय हायर मेटाबॉलिक रेट्स एंड एट दैट टाइम ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द एयर सैक्स। तो ये फ्लाइट अडॉप्टेशन थी। अब इसमें हम फ्लाइट ही की बेस पर क्लासिफाई करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लाइट लेस बर्ड्स। तो याद रखिएगा रेटेटी में आते हैं फ्लाइट लेस बर्ड्स आते हैं, और जो क्लास क्रैनेटीज में आते हैं फ्लाइट फुल बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लाइट फुल बर्ड्स का नाम देते हैं। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर देखें रेटेटी में तो ये दे आर हैवी वेट। याद रखिएगा इनका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, हैवी वेट है, और वीक पेक्टोरल मसल्स, इनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं जिनको फ्लाइंग मसल्स कहते हैं दे आर वीक, विंग्स आर पुअरली डेवलप्ड जब हैवी वेट हैं, एज वेल एज स्पंजी बोन्स, इनकी जो बोन होती हैं वो स्पंजी लाइक होती हैं, थिक स्पंजी लाइक, हैवी वेट हैं, और वीक पेक्टोरल मसल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, याद रखिएगा ऑस्ट्रिच एंड कीवीज, जो कीवी है, कीवी और एक्सेट्रा, ये हमारे पास हैवी बर्ड्स में आते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स में आते हैं, इनके वीक पेक्टोरल मसल्स होते हैं, यानी इनके जो विंग मसल्स होते हैं वो हाईली डेवलप नहीं होते, इसलिए कह सकते हैं कि फ्लाइंग विंग्स आर पुअरली डेवलप्ड, स्पंजी बोन्स होती हैं, बोन्स आर स्पंजीज, स्पंजी लाइक थिक बोन्स एंड हैवी वेट होते हैं। इसमें ऑस्ट्रिच आता है जो कि 150 केजी तक हो सकता है, याद रखिएगा कितना बड़ा हो सकता है कि इसका मास 150 केजी, तो 150 केजी मास लेकर तो कोई भी बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इनके मसल्स वीक होते हैं और ये हैवी वेट हैं, इन्हें कहते हैं फ्लाइट फुल बर्ड्स। तो बेटा याद रखिएगा क्लास क्रैनेटी में फ्लाइट फुल बर्ड्स आते हैं, इनमें लाइट वेट होंगे, शोर शॉर सी बात है, जितने ज्यादा हल्के होते हैं उतना फ्लाइट अच्छी कर सकेंगे, देन वेल डेवलप्ड फ्लाइंग विंग्स, इनके जो विंग्स होते हैं दे आर वेल डेवलप्ड, एज वेल एज अगर आप देखें तो होलो बोन्स होती हैं, होलो बोन्स हैं, वेल डेवलप्ड विंग्स हैं, पेक्टोरल मसल वेल डेवलप होंगे, लाइट इन वेट होंगे। एग्जाम्पल में स्पैरो है, एग्जाम्पल में जो है वो पीकॉक है, पैरट है, पीकॉक, पैरट एक्सेट्रा, ये सारे किस्में आते हैं रेटेटी में, और ये मेजर कैरेक्टर है रेटेटी और क्रैनेटी के, जिन्हें फ्लाइटलेस और फ्लाइट फुल बर्ड्स कहते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी क्लास मैमिलिया। डियर स्टूडेंट, क्लास मैमिलिया जिन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कहते हैं, क्लास मैमिलिया की याद रखिएगा 4500 नियर बाय स्पीशीज हैं। कितनी स्पीशीज हैं? 4500 स्पीशीज आर देयर, जिसमें जनरल कैरेक्टर के हवाले से देखा जाए तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बेटा एनिमल्स के जो जनरल कैरेक्टर हैं, लेकिन स्पेशली द मैमल्स, सबसे पहला कैरेक्टर तो ये है कि इनके पास जो है वो हेयरी स्किन है। कौन सी स्किन होती है? हेयरी स्किन मीन्स इनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, इसलिए इनको हेयरी स्किन कहा जाता है। इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दे आर कॉल्ड एज थीकोडॉन्ट्स मीन्स दे हैव अ सॉकेट ऑफ टीथ। इनके पास क्या होते हैं? सॉकेट ऑफ टीथ्स होते हैं,
और टीथ्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेटरोडॉन्ट्स। इन्हें क्या नाम देते हैं? हेटरोडॉन्ट्स का नाम देते हैं। थीकोडॉन्ट्स, हेटरोडॉन्ट्स। अब हेटरोडॉन्ट्स में खास तौर पर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट साइज एंड शेप्स के हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अब थीकोडॉन्ट है, हेटरोडॉन्ट बाय शेप एंड फंक्शन वाइज, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं और हेयरी स्किन है। याद रखिएगा, हेटरोडॉन्ट इसलिए कहते हैं कि द टीथ्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। थीकोडॉन्ट्स बिकॉज दे हैव सॉकेट ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थीकोडॉन्ट्स। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड दे आर एंडोथर्म्स। याद रखिएगा, इनको हम एंडोथर्म्स भी कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम लिखते हैं होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स का नाम भी देते हैं। तो ये मैमल्स के ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एंटिटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिन्हें आपने डिस्कस करना है फ्रॉम द एंटिटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और दे आर एंडोथर्म्स मीन्स दे कैन जनरेट ऑन बॉडी, कैन जनरेट ऑन बॉडी हीट, कैन जनरेट ऑन बॉडी हीट बाय देयर मेटाबॉलिज्म्स। क्योंकि इनके मेटाबॉलिज्म इतने हाई होते हैं कि ये अपने बॉडी हीट को खुद जनरेट कर सकते हैं। एंड दे आर मेजर कैरेक्टर इज दैट दे आर वीवी पैरस। याद रखिएगा, इनको वीवी पैरस कहते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बर्थ करते हैं यंग वंस को। गिव्स बर्थ टू यंग वंस, याद रखिएगा, ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है वीवी पैरस। तो ये वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हैं मैमल्स के पास जिनका ताल्लुक मैमल्स के स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर के साथ है, हेयरी स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स, सॉकेट ऑफ टीथ, थीकोडॉन्ट, टीथ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, डिफरेंट साइज एंड शेप, विवीपैरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, एंड एंडोथर्म्स, दे कैन जनरेट, ये अपनी बॉडी हीट को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं द होमियोथर्म्स आर एंडोथर्म्स। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो याद रखिएगा, क्लास मैमिलिया जो है, क्लास मैमिलिया, इसे हम क्लासिफाई करते हैं इनटू दी थ्री डिफरेंट सब क्लासेस। हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? देयर विल बी थ्री सब क्लासेस, थ्री क्लासेस, थ्री सब क्लासेस हैं इसमें, जिनमें देखा जाए तो थ्री सब क्लासेस में सबसे पहली क्लास, सब क्लास दी प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया नंबर वन क्लास, जिसे हम कहते हैं प्रोटोथीरियंस, एंड दे आर कॉल्ड एज दी प्रोटोथीरियन को हम एग लाइंग मैमल्स कहते हैं, एग लाइंग मैमल्स। ये वो मैमल्स हैं जो एग हैचिंग से इनका यंग वन अपीयर होता है, बट दे नरिश देयर यंग वन बाय द मेमोरी ग्लैंड्स बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क, बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क। याद रखिएगा, जनरल कैरेक्टर में हमने यहां लिखना है कि दे नरिश देयर यंग वन बाय मिल्क। मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो नरिश
their young one by producing milk, by producing milk. ये milk produce करते हुए अपने young one को nourish करते हैं. और अगर हम यहां पर बात करें egg laying mammals की, तो याद रखिएगा दे गिव बर्थ टू, दे प्रोड्यूस यंग वन बाय एग हैचिंग. इसमें इनकी फोर स्पीशीज हैं, दो जेनरा हैं, टू टू थ्री जेनरा. अब इनमें सिंगल ऑर्डर है, जिसे इसलिए इसको हम नाम देते हैं मोनोटर्मेटा, मोनोटर्मेटा भी कहते हैं. तो बेटा याद रखिएगा इनको मोनोटर्मेटा कहते हैं. इस ओनली सिंगल ऑर्डर, द ऑर्डर इज सेड टू बी मोनोटर्मेटा. चार नियर बाय स्पीशीज होती हैं इनमें और दे आर कॉल्ड एग लाइंग मैमल्स. दे प्रोड्यूस यंग वन बाय लेइंग एग एंड एग हैचिंग, बट दे नरिश देयर यंग वन बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क. ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है. अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो बेटे याद रखिएगा, इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर्स. और नेक्स्ट वन एग्जाम्पल हमारे पास है डकबिल. तो याद रखिएगा डकबिल एंड स्पाइनी आंट ईटर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एग लाइंग मैमल्स की, जिन्हें हम नाम देते हैं जो मेंबर हैं क्लास प्रोटोथीरिया के. देन सेकंड वन क्लास है, दैट इज द क्लास, सब क्लास मेटाथीरिया. क्या नाम देते हैं जिनको हम? मेटाथीरियंस का नाम देते हैं. दे आर कॉल्ड एज मेटाथीरियंस एंड मेटाथीरिया क्लास है, मीन्स दे आर कॉल्ड पाउच्ड मैमल्स. पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है. इनमें क्या होती है? पाउच होती है और ये अपने पाउच को, अब इनमें कैरेक्टर ये है कि गिव्स बर्थ टू इमेच्योर यंग वन. याद रखिएगा ये इमेच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं, जिसकी डेवलपमेंट कहाँ होती? पाउच में. दे हैव पाउच दैट इज कॉल्ड मार्सुपियम, मार्सुपियम कहते हैं, यानी पाउच कहते हैं. तो ये अपनी जो रमेनिंग डेवलपमेंट है वो पाउच में पूरी करते हैं, जो इनकी एब्डोमेन की लोअर साइड पर लगा हुआ होता है, इसलिए सो कॉल्ड मार्सुपियल मैमल्स. इसको हम मार्सुपियल मैमल भी कहते हैं. मार्सुपियल मैमल्स का नाम भी देते हैं. याद रखिएगा इसकी 250 स्पीशीज नियर बाय हैं, 250 स्पीशीज हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मेटाथीरियंस. लेकिन ये इमेच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं, ये इनका कैरेक्टर है. और याद रखिएगा इनका यंग वन बहुत छोटा होता है, अप टू 3 to 5 इंचेस तक, और इसकी बाकी डेवलपमेंट मार्सुपियम में होती है, जिसको हम पाउच का नाम देते हैं. इसलिए इनको मार्सुपियल मैमल भी कहते हैं और इनको मेटाथीरियंस भी कहते हैं. दे आर मार्सुपियल आल्सो कॉल्ड एज मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस या मेटाथीरियल मैमल भी कहते हैं इनको हम. इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसकी, दैट इज कैंगरू एंड कोलाबियर. कोलाबियर एंड कैंगरू इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन का जो नेशनली एनिमल, नेशनल एनिमल है, दैट इज दी कैंगरू, इसलिए ऑस्ट्रेलियन को कैंगरूज भी कहते हैं. अब इनमें क्या होता है? मार्सुपियल मैमल होते हैं, इनमें पाउच्ड मैमल कहते हैं इसको. इनमें पाउच होती है और ये मेनली इमेच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं. अब इनकी जो पाउच होती है इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और जो इमेच्योर यंग वन है वहां मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाय मिल्क नरिश करते हुए अपने आप को, और
अपनी डेवलपमेंट रिमेनिंग डेवलपमेंट को पूरा करते हैं। जैसे ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाते हैं तो ये जंप आउट करते हैं मार्सिपियम से सब क्लास यूथीरियन या यूथीरिया जिसे हम कहते हैं। याद रखिएगा इन्हें प्लेसेंटल मैमल कहा जाता है, प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। और 95% नियर बाय जो 95% मैमल्स हैं दे आर बिलोंग्स टू क्लास यूथीरिया। इनके पास क्या होता है कि जो यूट्रस होता है जहां पर डेवलपमेंट होती है वो मैं आपको बताता हूं, जिससे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो मां और बच्चे के दरमियान कनेक्शन होते हैं, इनके पास प्लेसेंटा होता है एंड गिव बर्थ टू मैच्योर यंग वन, गिव्स बर्थ टू मैच्योर एक मुकम्मल जो है यंग वन को बर्थ करते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है दी प्लेसेंटल मैमल। इनमें क्या होता है कि इनका अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, दीज आर द ओवरीज, दिस इज कॉल्ड यूटरस, दिस इज सर्वेक्स, दिस इज विजाइना। अब दिस इज कॉल्ड द यूटरस, यूथीरियन मैमल इसलिए कहते हैं। दीज आर ओवरीज एंड ओवरी, दिस इज ओविडक्ट, दिस इज कॉल्ड यूटरस, दिस इज कॉल्ड सर्वेक्स एंड दिस इज कॉल्ड वेजिना। तो बेटा इनमें क्या होता है कि जो यूटरस के अंदर वाली साइड पर खास किस्म के स्पंजी लाइक जो है स्ट्रक्चर एक डेवलप होती है जिसे हम नाम देते हैं दी प्लेसेंटा। ये वो टिश्यू डेवलप होते हैं जो कि हाईली वैस्कुलराइज्ड होते हैं, जिसमें मदर सर्कुलेशन की ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जहाँ पर बेबी जो है वो अपने मदर के साथ कनेक्टेड होता है और अपनी न्यूट्रिशन और अपनी गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। तो प्लेसेंटा क्या है? वो टिश्यूज हैं जो कि कनेक्शन होते हैं बिटवीन द डेवलपिंग यंग वन आर वी कैन से दैट एम्ब्रियो एंड द मदर। दीज टिश्यू आर स्पंजी लाइक स्पंजी टिश्यूज, दे आर सॉफ्ट टिश्यूज एंड इनर लाइनिंग हैविंग एंडोथेलियम लेयर्स एंड रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से याद रखिएगा कि माँ और बच्चे के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स की गैसेस की एक्सचेंजमेंट होती है दैट इज वाया द प्लेसेंटा प्लेसेंटल टिश्यूज, इसलिए ऐसे एनिमल को प्लेसेंटल एनिमल कहते हैं। और ये मैच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं, किसको यंग वन बर्थ करते हैं? ये मैच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं, इसलिए इन्हें प्लेसेंटल मैमल कहते हैं। और प्लेसेंटा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। ये कौन से टिश्यूज हैं? टिश्यूज हैं जो के कनेक्शन बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो और मदर के दरमियान एक कनेक्शन है जिसे हम नाम देते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जिसे कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा। क्या नाम देते हैं? दीज आर दी प्लेसेंटास, इन्हें कहते हैं प्लेसेंट्रल टिश्यूज। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो कि मदर और बच्चे के दरमियान कनेक्शन हैं फॉर एक्सचेंजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर फूड, फॉर गैसेस एज वेल एज वेस्ट एंड डिफरेंट अदर हार्मोन्स। ओके, 95% जो पॉपुलेशन है मैमल्स की बिलोंग्स टू दिस क्लास। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो काओ, शीप, गॉट, मैन, इंसान का ताल्लुक भी इसी क्लास के साथ है, क्योंकि ये अपने मैच्योर यंग वन को बर्थ करते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि थ्रू आउट डेवलपमेंट माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन रहते हैं प्लेसेंटा की सूरत में, और इसलिए इनको प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 95% पॉपुलेशन जो होती है मैमल्स की दे आर बिलोंग्स टू क्लास यूथीरिया, मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वन विच इज मैच्योर यंग वन। दिस इज अबाउट द क्लास मैमिलिया। आगे आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स वगैरह दी हैं आपके एग्जामिनेशन के हवाले से, आपके एंट्री के हवाले से, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर इंफॉर्मेटिव यू कैन रीड आप, और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस टाइप के एनिमल्स कौन कौन से रीजन में हैं। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन थी
आपके इस चैप्टर की, जिसको चैप्टर एनिमिलिया किंगडम किस नाम से हमने पढ़ा, तो वो हमने डिस्कस की हैं। इन फीचर्स को आपने अच्छी तरह याद रखना है। आपके एनटी टेस्ट के हवाले से यहाँ से क्वेश्चन निकलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।